हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेश इंजीनियर्स के लिए या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो अपने घर बनाना चाहते हैं और घर की ईंटें मंगवाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में आप ये देख सकते हैं कि ये एक दीवार है 12 फुट बाई 10 फुट, जिसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। ठीक है, तो हमने इसकी ईंटें मालूम करनी है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है और कुछ ही मिनटों के अंदर आप अपनी दीवार की ईंटें मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वॉल है वो है, जिसकी लेंथ है 12 फुट और उसकी जो हाइट है वो है 10 फुट। वॉल की जो हाइट है हमारे पास वो है 10 फुट, लेंथ है इसकी 12 फुट और जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंच, 9 इंच और 0.75 इंच। ठीक है, जो हमारे पास ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हमारे पास थिकनेस होती है इसकी मॉर्टर की वो होती है 3 सूत्र। अगर आप इसको 3 सूत्र को कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के अंदर, तो 0.39 समथिंग इंचज़ में आएगा ये। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने जो ये मॉर्टर का है थिकनेस हमारी ये वाली, ठीक है, जो मोटर की थिकनेस है वो हमने अपनी ईंट के साइज़ के अंदर जमा करनी है। जैसे 9 इंच है, 9 प्लस 0.39 तो ये आ गया, 9 प्लस 4.5 तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन सब के अंदर 0.39 ऐड करना है। ठीक है, तो इससे जो हमारा आएगा ब्रिक साइज विद मोटर वो आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी वो 9 इंच है, तो हमारी एक ईंट का वॉल्यूम क्या है, हजम क्या है, 0.75। 9 इंच को आपको पता है कि 0.75 कैसे आया, मेरे ख्याल से सब कोई पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो वो जो ये 9 इंच है इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे जो कैलकुलेटर में वैल्यू होती है वो ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, सबको पता है वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं, इन तीन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा 0.7031 क्यूबिक फिट। ये हमारे पास तीन वैल्यू है तो ये हमारा जो आंसर है वो क्यूबिक फिट में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है विद मॉर्टर है वो क्या है। पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक मालूम किया विदाउट मॉर्टर, तो उसका आंसर आया ये। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मॉर्टर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास वो वॉल्यूम आया वो ये आ गया। जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स है इसको हम कैसे मालूम करेंगे, इसका एक फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मॉर्टर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है वो क्या है, जो हमारे पास लेंथ है वो है 10 12 फिट और जो इसकी हाइट है वो है 10 फिट और जो इसकी हमारी आप कह सकते हैं विड्थ है वो है 0.75। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 क्यूबिक फिट। ठीक है, उसके बाद हमारे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो कितनी लगती हैं, जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है वो है 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है हमारे पास, 0.90। 90 को जब हम 0.90 पे तकसीम करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ब्रिक्स आ जाएंगी। हमारी जो 10 पे 12 की दीवार है उसके अंदर हमारी 1000 ईंट लगती है। ठीक है, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, इन ब्रिक्स में हम इसकी ब्रिक्स की जो वेस्टेज है वो भी डालेंगे। ब्रिक्स की वेस्टेज हम क्यों डालते हैं, जब हम हमारी ईंट जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग में कुछ ईंट्स टूट जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, इसके अलावा जो हमें मतलब हाफ ईंट चाहिए होती है कहीं है, और इसके यूजेस हैं, तो जो ईंट की वेस्टेज है वो हम ऐड करते हैं हमेशा, वो होती है 5 से 10% तक साइड पे। ठीक है, मैंने इसमें 10% कंसिडर किया है ब्रिक की वेस्टेज को। सो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000, हमारी 1000 ईंट निकली थी डिवाइड बाई 1000। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई से 1000 से करेंगे तो 100 ब्रिक्स जो है ना वो हमने इसकी डालनी है वेस्टेज की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल ग्रे स्ट्रक्चर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जजाक अल्लाह।